मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ उस टाइम कि आपके पास में एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है, ओके? आपको एक सिस्टम मिल चुका है जो आपको महीने के दो स्टॉक्स आपको देता है, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, एंड ये दोनों महीने के अंत में आपको मिलते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को आपको ये दोनों स्टॉक आपके सिस्टम ने रिकमेंड किए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे वेल्थ बनती है, कैसे राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 से 40,000 करोड़ की संपत्ति बनाई स्टॉक मार्केट से, हम सिंपल उस सारी चीजों के बारे में समझेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट में और ये कैसे वर्क करता है और इससे आपको क्या फायदे हैं, इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं, कैसे कंपाउंडिंग को हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ उस टाइम कि आपके पास में एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है, ओके? आपको एक सिस्टम मिल चुका है जो आपको महीने के दो स्टॉक्स आपको देता है, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, एंड ये दोनों महीने के अंत में आपको मिलते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को आपको ये दोनों स्टॉक आपके सिस्टम ने रिकमेंड किए, ठीक है? एंड स्टॉक ए और बी में आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 का है, ओके? सो 5,000 रुपये आपके पास हैं, तो मैं यहाँ पे इक्वल एलोकेशन यूज करूंगा। दोनों स्टॉक में बराबर पैसा मैं डालूंगा यहाँ पे, मैं इस एग्जाम्पल में। एंड अगर आप चाहें तो आप किसी स्टॉक में ज़्यादा श्योर हैं तो आप उसमें ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं, किसी में 60% एलोकेशन, किसी में 40%। मैं यहाँ पे दोनों में इक्वल एलोकेशन करूँगा। मेरे पास मान लीजिए 5,000 रुपये हैं, ओके? और मैंने इन्वेस्टमेंट करा है 2,500-2,500 रुपये मैंने दोनों ही स्टॉक्स में डाल दिए हैं। और मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस, दोनों ही स्टॉक के प्राइस 100 रुपये थे मंथ के एंड में, जो हमको स्टॉक्स मिले थे 100 100, और एक स्टॉक ने 25% का रिटर्न दिया हमको और एक स्टॉक ने 5% का हमको रिटर्न दिया। तो 25% के रिटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई 125 और 5% के रिटर्न के हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई 105, ठीक है? तो ये हमारे दोनों स्टॉक हो गए। तो हमें अभी सिर्फ रिटर्न पे जाना है, स्टॉक के प्राइजेस पर नहीं जाना। मान लीजिए 100 रुपये के स्टॉक की जगह आपको 1,000 रुपये का स्टॉक मिला, तो उस केस में आप 2,500 रुपये से सिर्फ दो स्टॉक खरीद पाएंगे, 500 रुपये आपके पड़े रहेंगे। तो आपको इतना डिटेल में इसमें अभी नहीं जाना है, आपको सिर्फ आरओआई पर फोकस करना है, रिटर्न परसेंटेज पर फोकस करना है। पहले हमको 25% का एक स्टॉक पर रिटर्न मिला और 5% का हमको दूसरे स्टॉक पर रिटर्न मिला। हमारा फाइनल अमाउंट क्या हो गया, 2,500 पे अगर 25% का रिटर्न मिलेगा तो हमारा 625 रुपीज़ का हमको रिटर्न मिला, और 5% का रिटर्न मानेंगे तो हमको 125 रुपीज़ का रिटर्न मिला। तो आप समझ सकते हैं कि 125 ये कैसे आया है। तो आप देख सकते हैं कि 2,500 × 5% यानी कि 1.05, तो ये 2,625 हो गया, 2,625 रुपये हो गए। तो टोटल अभी आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए टोटल फाइनल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया, तो हम अभी इसको भी जोड़ लेते हैं। सो गाइस, अब 750 रुपीज़ का हमको रिटर्न मिला फर्स्ट मंथ में। तो फर्स्ट मंथ में हमको 750 का रिटर्न मिला और फाइनल अमाउंट हो गया हमारा 5,750। अब हमारा आरओआई जो बना इसमें वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये हमारा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। तो फर्स्ट मंथ में हमारा हुआ 15% आरओआई, ओके? अभी सेकेंड मंथ में स्टार्ट हुआ, सेकेंड मंथ में फिर से
हमारा पैसा हो गया था 5,750, तो हम 5,750 को यहाँ पे रख लेंगे। अब हमारा रिटर्न हो गया 5% इसमें हो गया और 10% इसमें हो गया इस स्टॉक में, तो टोटल हमारा रिटर्न कितना आ गया 431.25, और फाइनल अमाउंट आफ्टर मंथ एंड कितना हो गया तो 6,181 हो गया, तो हमारा रिटर्न हो गया 7.5%। तो सेकेंड ROI आ गया हमारा 7.5। ओके, अभी थर्ड मंथ में हम गए। सिंपल, मैं फटाफट फटाफट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप देखते रहिए कैसे मैं करता हूँ। यहाँ पे हमें 10% का लॉस हुआ और यहाँ पे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, तो हमारा ROI हो गया 5% का ROI, और अमाउंट कितना हो गया 6,038। ओके, नाउ अभी हमको हो सकता है कि किसी स्टॉक में 1 महीने में 50% का रिटर्न मिले और किसी में -20% का रिटर्न मिले, तो उस केस में हमको 905 रुपीज़ मिलेंगे और हमारा ROI हो जाएगा 15% का, और 6,944 हमारा फाइनल अमाउंट है, तो अगले महीने हम इससे इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा अभी अभी मैं दोनों में 50% का ROI अज्यूम कर रहा हूँ, तो हमको 50% का ROI के हिसाब से 10,416 रुपये मिले। अब मैं दोनों में -25% का ROI, तो हमको 7,812 और -25 का हमारा, और ये हो गया हमारा 7,812। अभी हम इसको 30 30% मान, 30 और 15% मान लेते हैं, तो हमारा 9 तो 22.5 का ROI हमारा, और ये हमारा हो गया 9,570। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए सारी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। आपका सिस्टम अगर बहुत ही सफिशिएंट पावरफुल सिस्टम है, तो हो सकता है कि आपको एक ही महीने में 100% रिटर्न भी मिल जाए किसी स्टॉक में। तो मैं इतना डीप में नहीं जाके आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सो गाइस, ये हो गया हमारे कितने महीने, एक दो तीन चार पाँच छः 7 महीने हो गए। 7 महीनों का हमारा एवरेज रिटर्न आया इस स्ट्रेटजी का। एवरेज रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज आप देख सकते हैं 12.85 का एवरेज है। ओके, तो हम पर मंथ 12 सो हम पर मंथ 12.85 से ग्रो कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि हमारा सिस्टम 12% पर मंथ के हिसाब से ग्रो करेगा, तो अब क्या होगा, अब हम इस पे हमारे 5,000 से 5 लाख कैसे बनेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपली फॉर्मूला होता है, आपका इनिशियल कैपिटल कितना था, तो 5,000 था, और ये हमारा कैपिटल ग्रो कितने परसेंट के हिसाब से हो रहा है, तो ये 1 प्लस 12.85 के हिसाब से हमारा कैपिटल ग्रो हो रहा है, डिवाइड बाय 100 की पावर नंबर ऑफ मंथ्स कितने लगे हैं हमें, तो हमें पहले मान लीजिए हम 2 महीने के लगे हमारा, तो हमारे पहले महीने में हो गए 6,367 रुपीज 2 महीने में। तो अब हम मंथ्स की वैल्यू यहां पे, अब हम क्या करेंगे, अब नई शीट बनाएंगे और नई शीट में हम यहाँ पे रखेंगे मंथ्स, और यहाँ पे रखेंगे हम PL प्रॉफिट लॉस। ओके, पहला मंथ ऐसे करके हमारे मान लीजिए इनफाइनाइट मंथ हो गए। अभी हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 5,000, तो हम क्या करेंगे 5,000 इंटू 1 प्लस 12.85 डिवाइडेड बाय 100 की पावर में की पावर 1 मंथ। ओके, क्योंकि ये हमारे मंथ हो गए, तो हम 5,000 से हमने स्टार्ट किया था और अभी हमारा 5,642 हो गया, तो अभी हम
इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करते जाएंगे तो हमारा रिटर्न आ जाएगा। अभी हमारा रिटर्न आ रहा है 74 मंथ का रिटर्न हमारा है 3,80,000। कितना हो गया ये, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? थ्री करोड़ 83। तो हम इतने में नहीं जाते हैं। एक बार तो हमने सबसे पहले 5,000 से 6,300, 6,300 से 7,100, 8,100, 9,100, 10,000, 11, 13, 14, 16, 18 और तो पहले एक साल में आपने 5,000 से बना लिए आपके 21,000 रुपये। अभी दूसरे साल में हम गए तो 24 महीने में आपने 90,000 बना लिए। आपका सिस्टम वही है, 12% का आपका CAGR है पर मंथ का। ये काफ़ी ज़्यादा CAGR है, इतना होता नहीं है। मैक्सिमम 4% मिल जाए तो बहुत बढ़िया सिस्टम है आपका। सो 24 मंथ्स में हमें 90,000 मिल गए। अभी हम देखते हैं थर्ड महीने में 90s, तो हमको मिल गए 3,88,000 तीन साल में। अभी हम चाहते हैं 4 साल में तो हमको मिल गए 1,16,50,000 के लगभग। ब्रोकरेज चार्जेस में जीरो एज्यूम कर रहा हूँ। आपको भी ऐसा जीरो ब्रोकरेज जैसे फिनवासिया या कोटक जैसा ब्रोकर है जहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल ब्रोकरेज चार्जेस है। सो अभी फिलहाल के लिए जीरो एज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है रिटर्न कम हो जाएगा। ओके अभी हम 5वें साल में गए तो हमें 70,00,000 का रिटर्न मिल गया। अभी हम तो हमें अब 3 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अभी हम पहुंच गए हैं 6ठे साल में और अब हम और आगे जाएंगे तो हम तो हमको यहाँ पे मिल गए 12 करोड़, शायद 12 करोड़ ही होंगे, जितना भी है जो भी है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका वर्क करता है स्टॉक मार्केट में। पर मैंने जो आपको पहले शीट में बताया था कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे, आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक ए में कैसे डिवाइड होगा और अगला स्टॉक पिछला स्टॉक, कभी नेगेटिव रिटर्न्स भी आएंगे कभी पॉजिटिव रिटर्न्स भी आएंगे, उन सब का एवरेज करके आपका CAGR बनेगा। सो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बताई। सो ये इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।